हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल ट्यूबा मैं हूं सोनम चौहान और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आई हूं यह वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होगा आप सबके लिए एंड वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो व्हाट इज़ यूरिन एंड यूरिन एग्जामिनेशन नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस वॉट इज़ यूरिन यूरिन इज आ लिक्विड बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन ह्यूम एंड इन मैनी अदर एनिमल्स मतलब ये कि यूरिन जो है एक लिक्विड बाय प्रोडक्ट होता है जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स में एक्सक्रीट किया जाता है यूरिन का फॉर्मेशन किडनीज़ में होता है यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को स्टोर किया जाता है एंड यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन रिलीज़ किया जाता है यूरिन में होता क्या क्या है अबाउट नाइनटी वन से नाइनटी सिक्स परसेंट तक यूरिन में वाटर होता है एंड अदर सिक्स टू सेवन परसेंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑर्गेनिक एंड सेलुलर पार्ट्स होते हैं यूरिन के अंदर यूरिन नॉर्मल यूरिन का पी एच स्लाइटली एसिडिक होता है सिक्स टू सेवन पॉइंट फाइव के बीच में यूरिन की नॉर्मल पी एच होती है यूरिन का फॉर्मेशन वन पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट सिक्स लीटर पर डे बाय किडनीज एनसीग्रीजन वन पॉइंट फाइव से लेके वन वन से लेके वन पॉइंट फाइव लीटर पर डे होता है यूरिन का स्मॉल पोर्सन किडनीज के थ्रू एब्जॉर्व कर लिया जाता है नाउ यूरिन टेस्ट डन फॉर डायग्नोसिस डॉक्टर्स यूरिन टेस्ट क्यों रिकमेंड करते हैं यूरिन टेस्ट हम क्यों कराते हैं यूरिन एनालिसिस इज़ अ टेस्ट ऑफ़ योर यूरिन इट इज़ यूज टू डिटेक्ट वाइड रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स सच एज इन्फेक्सन इन एनी पार्ट ऑफ़ यूरिनरी सिस्टम हमारी यूरिनरी सिस्टम के कोई किसी भी पार्ट में किसी भी तरीके का इन्फेक्सन हुआ है वो हम डिटेक्ट कर पाएंगे यूरिन से किडनी डिजीज एंड किडनी फेलियर एंड जॉइनडस एंड डायबिटीज़ लिवर डिसऑर्डर्स किडनी स्टोन्स एंड यू टी आई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्सन ये सब बीमारियों में हम यूरिन टेस्ट को बोलेंगे और हम यूरिन से ही डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमें यूरिन में प्रॉब्लम क्या है ना कलेक्शन और प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन स्पेसिमेंट। पेशेंट को बताना है कि यूरन कलेक्ट कैसे करना है यूरिन कलेक्ट करने के कई सारे मेथड होते हैं एक होता है रैंडम यूरिन स्पेसीमेंट रेंडम यूरिन स्पेसीमेंट में पूरे दिन का पूरे दिन में कोई भी किसी भी यूरिन का हम स्पेसिमेंट कलेक्ट करते हैं इसमें कंडीशन ये होती है कि हमें यूरिन का मिडिल पोर्शन कलेक्ट करना है जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है उसको हमें रिलीज़ करना है एंड जो मिडिल पोर्शन जो होता है उसको हमें कंटेनर में लेना है फास्टिंग और फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन इस्पेसीमेंट ये होता है इस ये मेनली डबिटिक पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है आफ्टर मील बिफोर मील बिफोर मील हम यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं एंड क्लीन कैच यूरिन स्पेसिमेन टाइम्ड यूरिन स्पेसिमेन एंड ट्वेंटी फोर आवर्स यूरिन स्पेसिमेन क्लीन कैच यूरिन स्पेसिमेन रीनल इन्फेक्शन के लिए बताया जाता है इसकी कंडीशन ये होती है पेनिस एंड वेजाइनल एरिया को अच्छे से क्लीन करना है दैन कलेक्टर यूरिन को कलेक्ट करना है टाइम्ड यूरिन स्पेसिमेन अंडर सर्टेन कंडीशंस में रिकमेंड किया जाता है पोस्ट पेंडियल हमें इसको लेना होता है आफ्टर मील मतलब खाने के बाद नाश्ते के बाद हम इस स्पेसीमैन को लेंगे एंड ट्वेंटी फोर आवर्स यूरिन स्पेसीमैन ये मेनली कल्चर के लिए लिया जाता है नाउ प्रजर्वेटिव यूरिन स्पेसीमैन दैट कैन नॉट बी रेफ्रिजरेटेड हम यूरिन को फ्रिज में नहीं रख सकते टॉल्यून हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड को में हम यूरिन को प्रिजर्व करते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन यूरिन में ना हो जाए जिससे कि हमारे रिजल्ट में प्रॉब्लम आ सकती है ना यूरिन एग्जामिनेशन के मैथड्स अ यूरिन एग्जामिनेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ फिजिकल केमिकल और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट यूरिन के मेथड्स होते हैं तीन तरीके के मेथड्स होते हैं इसके फिजिकल केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक टेस्ट फर्स्टली वी विल डिस्कस फिजिकल एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम वॉल्यूम कलर एपीरियंस पी एच एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ये पांच पैरामीटर्स को हम इसमें डिटेक्ट करते हैं नॉर्मल यूरिन का वॉल्यूम जो है वो 1500 हंड्रेड होता है एंड कलर पेल येलो होता है एपीरियंस इसकी क्लियर होती है एंड पी एच इसकी एसिडिक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 से लेके 1.03 होती है इफ़ वॉली इज़ ग्रेटर दैन थ्री थाउजेंड एम दैट कंडीशन नोन एज पॉली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें हाई ब्लड शुगर की वजह से हम वॉल्यूम यूरिन का इंक्रीज़ कर जाता है सो दिस कंडीशन इज़ पॉली यूरिया कलर वेरिएशन इन कलर कैन बी कॉज बाय डाइट मेडिकेशन फिजिकल एक्टिविटी एंड एनी डिजीज़ हमारे कलर में अगर वेरिएशन आ रही हैं तो हम यू बता सकते हैं कि यूरिन में कोई भी प्रॉब्लम है हमें क्लू मिल जाता है वेरिएशन इन कलर के थ्रू बिकॉज ऑफ़ पिगमेंट्स कलर जो प्रजेंट होता है वो बिकॉज ऑफ़ पिगमेंट्स होता है यूरोविलिन एंड यूरोक्रोम्स पिगमेंट्स होते हैं उसकी वजह से कलर हमारी यूरिन का कलर होता है नाव अडर अगर हमारी यूरिन के पंजेंट स्मेल आ रही है तो हमें ज़रूर यूटीआई हुआ है यूरनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है सो नाव यमिकल एग्जामिनेशन केमिकल एग्जामिनेशन में हम ग्लूकोज प्रोटीन एंडकीटोन्स बिलरोबिन एंड पी एच पी एच को भी हम केमिकल एग्ज़मिनेशन में डिटेक्ट करते हैं ये भी फाइव पैरामीटर्स हैं जो कि हम केमिकल एग्ज़मिनेशन में बनाएंगे ग्लूकोज नॉर्मल ज़ीरो से एक मिलीमोल्स होता है इफ़ ग्लूकोज इज प्रजेंट यूरिन दैट कंडीशन नोन एज ग्लूको सूरिया डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनकी यूरिन में ग्लूकोज आने लगता है डायबिटीज़ एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है आजकल बहुत ज़्यादा हो जाती है प्रोटीन्स प्रोटीन जीरो से 14 मिलीग्राम पर डी नॉर्मल होती है यूरिन में एक्सेसिव एक्सरसाइज एक्सेसिव डाइट की वजह से नॉर्मल हमारी प्रोटीन यूरिन में आने लगती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉली प्रोटीन यूरिया कीटोन्स की अगर हम बात करें तो कीटोन्स हमारी नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते थ्री टाइप्स के कीटोन्स होते हैं एसीटोन एसीटो एसिडिक एसिड हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड जो कि हमारी यूरिन में आने लगते हैं एबनॉर्मल कंडीशन में उस कंडीशन को हम बोलते हैं कीटू न्यूरिया बिलोरूबिन नॉर्मल नहीं होती पीएच एसिडिक होती है नाउ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज़ परफॉर्म्ड इफ द फिज़िकल एंड केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन स्पेसीमैन इज़ एबनॉर्मल माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन हम तभी करेंगे जब फिज़िकल और केमिकल एग्जामिनेशन जो है वो एबनॉर्मल आएगा माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में हम आर के बारे में बताते हैं डब्ल्यू बी सीज़ एंड कास्ट एंड पससेल्स और क्रिस्टल्स भी होते हैं आर बी सीज़ ज़ीरो से लेकर दो ज़ीरो टू टू आर बी सीज नॉर्मल प्रजेंट होती हैं यूरिन के अंदर एंड इससे ज़्यादा हाँ होती हैं हमारी यूरिन में ब्लड आने लगता है उस कंडीशन को बोलते हैं हिमचूरिया डब्लू बी सीज़ टू से थ्री परजेंट होती हैं इफ़ ग्रेटर देन टू से थ्री दैट कंडीशंस इन रीनल इन्फेक्शंस रीनल इन्फेक्शंस के केस में हमारी यूरिन में डब्लू बी सीज आने लगती हैं कास्ट नॉर्मल नील होते हैं एंड सेल्स फ्यू हमारी नॉर्मल यूरिन में प्रजेंट होते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूरिन एग्जामिनेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग